अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम केतन है और मैं टेक्निकल विकसा होती हूँ। तो दोस्तों आज हम नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट क्या है। तो मैं इस कोडिंग के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट किस तरह होता है। तो सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया है, पहले जो मैंने अनऑर्डर लिस्ट आप लोगों को पढ़ाया था वही कोड यहाँ पर पेस्ट किया है, वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया है। यहाँ पर मैंने यू एल लिखा था, इसमें मैंने ये एक आइटम लिखा था, एक आइटम ये लिखा था लिस्ट आइटम, और इसके अंदर मैंने तीन और आइटम लिखे ये। इसको मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ लेकिन मैंने सिर्फ इसी को पेस्ट किया। यहाँ पर मैंने थ्री आइटम और लिखे। इस दूसरा आइटम हमारे पास प्लस प्लस है, इसके अंदर मैंने तीन आइटम और लिखे। और थर्ड जो हमारे साथ आइटम है जावा, इसमें भी मैंने थ्री आइटम और लिखे। तो इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। सेव किया, अब इसको मैं रन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने थ्री लिस्ट और क्रिएट किए। यहाँ पर एक ये दूसरा है और ये तीसरा। इस तरह दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ मैं आप लोग को यहाँ पर दोबारा बनाकर दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह किया है। इस सारे को मैं खत्म करता हूँ, मैंने खत्म किया। अब मैंने इस सारे कोड को कॉपी किया और इसके अंदर मैंने पेस्ट किया। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पर इस तरह। इस तरह और यही कोड यहाँ पर भी पेस्ट किया। इस तरह यहाँ पर भी पेस्ट किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से उसको चला कर देखता हूँ। तो क्या हुआ, ये हुआ मैंने जावा के अंदर नेस्टेड नहीं किया है, तो इसके अंदर नहीं है और इन दोनों के दरमियान मैंने किया है। तो दोस्तों इस तरह आप नेस्टेड भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।